इस टॉपिक के अंदर जिस तरह हमने प्रीवियस में इंस्टॉलेशन सीखी और एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखा था इस टॉपिक में हम मेनली देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं थ्री uh, डी के अंदर जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हम बॉक्स की बात करते हैं हम किसी टी पॉट की हम सिलेंडर को इस्फेरिकल शेप बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्विकली हम किस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करते हैं उसकी एक्स वाई और जो जी हमारी डायमेंशनज हैं उनको किस तरह हम चेंज कर सकते हैं किस तरह उन पर वर्क कर सकते हैं और फिर हम आगे जैसे मूव करेंगे इसी इसके अंदर हम प्लेन को ड्रा करना सीखेंगे हम देखेंगे लाइंस के ऑप्शन मौजूद हैं और आ, क्योंकि हमें जब पता चल जाएगा कि जो कैड थ्री डी के अंदर ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उसको हम किस तरह वेरिएट कर सकते हैं तो फिर हम आगे मूव करते हुए जाएंगे और हम देखेंगे कि अपनी हम जो कै हमने ड्राइंग बनाई है टू की उसको किस तरह हम थ्री डी मैक्स के अंदर लेकर आते हैं तो बढ़ते हैं मैक्स थ्री डी एस मैक्स की तरफ ताकि हम फॉर्मली जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रा करके देखें ये हमारे पास हमारा जो थ्री डी एस मैक्स का हमने बेसिक इंटरफेस देखा अभी हमने कोई चेंज नहीं की ऐसा ही आपके सामने इंटरफेस होगा इसके अंदर ये डिफरेंट हमने देखा व्यू पोर्ट्स थे जिसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं ये टॉप साइड नज़र आ रही है दिस इज़ लेफ्ट साइड दिस इज़ फ्रंट साइड और ये हमारे पास रियलिस्टिक व्यू जिस तरह हमने कैट थ्री में देखा इस तरह थ्री डी मैक्स के अंदर भी है अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रा करना क्विकली सीखते हैं कि जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमने उनको ड्रा करना हो तो हम कैसे करते हैं और फिर डेफिनेटली uh, हम आगे जब मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में तो उसमें हम अपनी कैड की ड्राइंग जो बनाई है उसको भी हम एक्सट्रूड और उसको थ्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे सो so, ये हमारे पास डिफरेंट व्यू हैं जब भी हमने uh, किसी भी वक्त फॉर एग्जांपल अब मैं वर्क, वर्क कर रहा हूँ इस व्यू में तो मैं अगर चाहूँ कि मैं सिर्फ ये व्यू में मुझे नज़र आए बाकी चार व्यू नज़र ना आए तो यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्ट की मौजूद है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपने कैड टू की लिखी कैड थ्री की लिखी तो ये भी आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं आर्ट डब्ल्यू आर्ट और डब्ल्यू को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप जो है इसके पूरे ओवर व्यू में आ जाएंगे और वापस दोबारा अगर हमने चारों व्यूज़ देखने हों तो दोबारा आर्ट डब्ल्यू तो हम वापस ओरिजिनल चले जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट डब्ल्यू रियलिस्टिक व्यू में हम हमेशा काम करेंगे और फिर हम उसके डिफरेंट परस्पेक्टिव और बाकी व्यूज़ लेफ्ट राइट फ्रंट देख सकते हैं आर्ट डब्ल्यू इकट्ठा प्रेस कर दिया ये हमारे पास जो है वो हमारा व्यू ओपन हो चुका है अब अगर ये ग्रिड ऑफ करने हो तो आपने जी प्रेस कर देना है जी प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे दोबारा आप जी प्रेस करेंगे जी फॉर ग्रिड्स तो ये दोबारा ग्रिड्स ऑन हो जाएंगे बाजा आप इनको नहीं देखना चाहते तो आप जी प्रेस करके ऑफ कर दें जिस तरह हम क्या टूटी में भी करते रहें और अगर आप चाहते हैं तो वापस कर दें यहाँ से जो है हम ये अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं यू कैन सी डिफरेंट व्यूज तो आप फ्रंट साइज में आ सकते हैं आप टॉप में आ सकते हैं तो ये आप अगर देखें तो आप जो है वो इसको ईजीली जो है चेंज कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन में किसी भी साइड पर और अगर, अगर आपने दोबारा ओरिजिनल व्यू में जाना हो तो ये ये आइकॉन जो है दिस वन दिस स्मॉल जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप वापस चले जाएंगे और आपकी ड्राइंग जो है जो जिस तरह बना रहे थे बाजूत गलती से भी आप कहीं ना कहीं क्लिक कर देते हैं और ड्राइंग आपकी जो है वो रोटेट हो चुकी होती है या किसी भी एंगल पर तो आप वापस ये यह यहाँ पे क्लिक करें दिस दिस स्मॉल जो हमारे पास नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये यह वापस आप आ जाएंगे सो लेट्स ड्रा एनीथिंग हम जीत करके ग्रिड्स ऑफ कर देते हैं ये अगर आप देखें तो फिलहाल हम क्रिएट पे हैं ये क्रिएट पे क्लिक है इसके साथ हमारे पास और ऑप्शन भी हैं सो क्रिएट बाई डिफॉल्ट क्लिक है और ये क्रिएट uh, के बाद नीचे जो है ज्योमेट्री सो so, ये ज्योमेट्री की मल्टीपल शेप्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ से वी कैन चेंज द शेप्स ये स्टैंडर्ड प्रटि से अगर आप आएँ तो यहाँ पर डोर्स हैं विंडोज़ हैं सो वी आर हैविंग स्टेयर्स सो हम स्टार्ट जो है वो स्टैंडर्ड प्रव से ही करते हैं उसमें ये ऑप्शन मौजूद हैं सो लेट्स ड्रा बॉक्स जैसे हम बॉक्स पे क्लिक करते हैं हम नोट करें तो यहाँ पे लेंथ विड हाइट सेगमेंट सारी चीज़ें जो बॉक्स के अंदर हो सकती हैं वो मौजूद हैं और क्रिएशन मेथड क्यूब से भी है बॉक्स से भी है सो लेट्स ड्रा अ बॉक्स बॉक्स को हम ड्रा करते हैं ये आ, हम जो है ये हमारे फर्स्ट क्लिक की और जिस तरफ भी आप जाना चाहें सो so एट दिस सो अब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये आप नोट करें अगर तो आप किसी भी साइड पे बॉक्स को आप नोट करें अगर जैसे ही मैं इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो लेंथ विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली जो है वो अब लेंथ और विड्थ तो में कर चुका हूँ हाइट चेंज होती जाएगी ये क्लिक की तो यह बॉक्स ड्रा हो चुका है यहां से हम वायर फ्रेम पर क्लिक करते हैं जिस तरह हमने कैड थ्री में किया था यहां पर भी हम रियलिस्टिक अगर कर, कर लें तो so, ये आप नोट करें तो एक बॉक्स जो है रियलिस्टिक में क्योंकि वायर फ्रेम में जस्ट उसका बेसिक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है बट इन रिस्टिक यू कैन सी ओरिजिनल शेप सो ये हमारे पास शेप है ये हमने बॉक्स ड्रा किया मैं दोबारा ड्रा करता हूँ आपने फर्स्ट क्लिक की और माउस के जो है वो आपकी जो लेफ़्ट साइड है उसको आपने प्रेस करके रखना है लेफ्ट क्लिक को और कहीं पे भी आप जिसको छोड़ेंगे जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे इसके बाद वहां से हाइट पूछेगा जो आप एक्स uh, और वाई क्लियर कर लेंगे तो ये हम जहाँ तक भी और अगर हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके आप क्योंकि ये सिलेक्शन दिस इज ये हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल है इस कैड में मौजूद थी हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास दिस इज़ सेलेक्ट ये अब सेलेक्ट हो चुकी है आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से जो है हम इसकी ज्योमेट्री में आके सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आना है ज्योमेट्री क्योंकि चेंजेस अगर हमने करनी है तो मॉडिफाई में सो so, सिलेक्शन इसके बाद आए मॉडिफाई में और यहाँ से हम इसकी वी कैन चेंज दी लेंथ वी कैन चेंज दी विड्थ और वी कैन इवन चेंज दी हाइट ऑफ दिस बॉक्स सो ये क्या करना है हमने फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसकी चेंज करना चाह रहा हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो जिसके आपके अंदर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ये हम क्रिएट पे थे और हम आ जाएंगे मॉडिफाई क्योंकि हमने तब्दीली करी है तो मॉडिफाई मीन्स हम उसके अंदर वी वॉन्ट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस और जिस तरह हमने इन कैट टू में भी देखा वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्रिम की कमांड थी या एक्सटेंड थी तो यहाँ पे मॉडिफाई में आए और मॉडिफाई में आने के बाद ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है यहाँ से जो है यू कैन चेंज जो है यहाँ से लेंथ और वेथ और अभी आप अगर देखें तो ये जो हमारे एक्सेज हैं एक्स वाई और जी ये नज़र आ रहे हैं बट ये अभी ऑफ़ हैं ये ऑन नहीं है तो जब कभी हमारे एक्सेज ऑफ होंगे अब ऑन कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ आप, आपने डब्ल्यू का बटन प्रेस कर देना है सिंपल डब्ल्यू पहले हमने आरट डब्ल्यू किया था व्यू पोर्ट देखने के लिए आप सिंपल आप डब्ल्यू का बटन प्रेस करें और आप ये देखें अब ये एक्सेज ऑन हो चुके हैं अब आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ एक्स वाई और जी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं सो so, क्या प्रेस करना है आपने जस्ट डब्ल्यू और अगर आप चाहते हैं कि इनको इनएक्टिव कर दें तो दोबारा आप सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाएंगे ये इनएक्टिव हो जाएंगे और दोबारा एक्टिव करना है सो यू नीड टू प्रेस डब्ल्यू आप इसको मूव कर सकते हैं अब ये हमने बॉक्स ड्रा किया इसके साथ क्रिएट में आ जाते हैं हमारे पास कौन की ऑप्शन मौजूद है अब ये आपने फर्स्ट क्लिक की और आपने लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है और कहीं पे भी आप छोड़ें और इसके बाद आप ये नोट करें तो आप जो है यू कैन ड्रा अ कौन और इसके भी आप चेक करें रेडियस क्योंकि इस रेडियस वन टू हाइट इन्वॉल्व है और यहाँ से यू कैन चेंज द रेडियस ऑटोमेटिकली आप वर्क कर सकते हैं इसके बाद हम इसको ज़रा साइड पर रख लेते हैं हमारे पास स्वेयर की ऑप्शन मौजूद है तो ये हमारे पास स्वेयर है देन वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शन आप कोई भी लगा सकते हैं इसके बाद हमारे पास इवन टी पॉट की ऑप्शन भी जो है दैट इज़ अवेलेबल तो दिस वन लुक एट दिस ये हमारी शेप ड्रा हो चुकी है एक्सेस को ऑन करना है तो डब्ल्यू प्रेस करें और वी कैन हम इनको मूव कर सकते हैं सो वी आर हैविंग प्लेन तो ये प्लेन की ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आगे हम इस्तेमाल भी करेंगे तो प्लेन या आपने किसी भी तरह का कोई प्लेन ड्रा करना है इन इन ऑब्जेक्ट्स के नीचे तो ये आप प्लेन और इसके कलरिंग भी हम बात करेंगे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इस प्लेन का यहाँ से सो वी कैन ये आप देखें तो ये कलर की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है लेंथ और विथ भी हम चेंज कर सकते हैं ये आप नोट करें सो so जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सिलेक्शन टूल को पिक कर लें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें उसके मॉडिफाई में आ जाएं और मॉडिफाई के अंदर से यू कैन इवन चेंज दी सेगमेंट्स सेगमेंट्स भी बदल सकते हैं सो so, हमारे पास लेंथ विड्थ मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं वापस क्रिएट में आते हैं अब अगर हम स्टैंडर्ड पेमेटिव से थोड़ा सा इस पर क्लिक करें तो हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आप देखें ए ई सी एक की ऑप्शन है हमारे पास इसमें रेलिंग है हमारे पास ये हमारे पास आप चेक करें तो आपने जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक की यहाँ पे ट्रीज़ हैं तो जैसे ही आप ये देख लें अगर आप ट्री पे क्लिक करें ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है सो तो ये देख लें आप तो हमने ट्री ड्रॉ कर लिया है ये हम आगे जाके लगाएंगे भी सही यहाँ पे ये आप देखें तो बहुत सारी ऑप्शन ये एक और ट्री की ऑप्शन मौजूद है इसको भी हम लगा लेते हैं सो तो ये हमारे पास जो है वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो ट्रीज़ हम लगा सकते हैं फिर हमारे पास ये आप दूर आएंगे तो क्योंकि वो बॉक्स टाइप बना देगा फिर हम यहीं पर आते हैं सो हमारे पास डोर की ऑप्शन भी हैं तो ये कैड और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इसको एडवांटेज ये है कि इसके अंदर मटीरियल ऑलरेडी मौजूद है सो so ये आप देखें अगर तो हम जो है वो ये डोर आप नोट करें सो यू कैन क्रिएट अ डोर इसके साथ ये डोर की और टाइप्स मौजूद हैं फिर हमारे पास वी आर हैविंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ विंडोज़ ये स्लाइडिंग विंडो मौजूद है हमारे पास ये हम लगा सकते हैं तो ये आप नोट करें मैंने कुछ जो है वो हमने कर लिया ये शेप्स भी मौजूद हैं आपने लाइन लगानी है आपने सर्कल लगाना है आर्क लगानी है ये कुछ मैंने ऑपरेट कर दी हैं और बाकी जो हैं आपने खुद से वन बाय वन प्रैक्टिस करनी है और ये जितनी अच्छी तरह आप शेप्स ड्रा करेंगे और मॉडिफाई में से उनको उनकी लेंथ विड्थ हाइट और बाकी सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करें आप नोट करें अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल ये डोर जो है इस पर हम क्लिक करते हैं ये सिलेक्शन टूल को हम पिक करके और इस पर क्लिक करें और इसके अगर हम मॉडिफाई में आए तो यहाँ बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर आप चेक करें तो ये फ्रेम की बात हो रही है उसकी थिकनेस की बात हो रही है सो यू कैन चेंज मल्टीपल थिंग्स सो इट्स अप टू यू कि आप आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और जब भी आपने डिलीट करना होगा सिलेक्शन टूल को हम पिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और डिलीट तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए हैं सो तो ये हमारे पास हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हैं नेक्स्ट जो आन टॉपिक्स होंगे उसमें हम अपनी कैड की जो टू डी ड्राॅइंग थी उसको लेकर आएंगे इन थ्री डी और उस पर फर्दर वर्क करेंगे सो इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रा करना सीखे हैं थ्री डी मैक्स के अंदर आपने देखा कि किस तरह इस सॉफ्टवेयर को एडवांटेज है ऑन डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मटेरियल्स इसके अंदर मौजूद हैं बड़ी आसानी से जो है यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सो आई होप कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये और इंटरेस्टिंग होता जाएगा हमारे ये सॉफ्टवेयर और फ्री लांसिंग मार्किट की अगर हम बात करते हैं और आप सिंपली जाके अगर थ्री मैक्स लिखें आ, किसी भी वेबसाइट में आप अपवर्क में जा रहे हैं आप फ्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको थ्री डी मैक्स के मिलेंगे यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है फ्री लांसिंग के परस्पेक्टिव में भी तो बेसिक हम एक जो है अपना हाउस प्लान ऑनवर्ड जाके उसकी कंप्लीट जो ड्राइंग हमने बनाई है उसका उसकी रूफ़ उसकी वॉल्स उसकी विंडोज उसके डोर्स उसका प्लेन और उसकी रेंडरिंग ये कंप्लीट कर लेंगे आई होप कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा आपके लिए लर्निंग का ताकि आपको बेसिक कमांड्स अगर आ गई तो आपके लिए आगे बड़ी आसानी होगी मूव करने में